इंदौर नगर निगम ने न्याय नगर में अवैध रूप से बनाए गए 4 मंजिला इमारत को विस्फोट से गिरा दिया। अपर आयुक्त संदीप सोनी ने बताया कि सरकारी जमीन पर बिल्डिंग का अवैध निर्माण किया गया था। न्याय नगर एक्सटेंशन में अवैध निर्माणों पर निगम का अमला शुक्रवार को सक्रिय दिखा। न्याय नगर एक्सटेंशन कॉलोनी में 4 मंजिला अवैध इमारत को विस्फोटक से उड़ा दिया गया। विस्फोटक विशेषज्ञ शरद सर्वटे के मुताबिक निगम से निर्देश मिले थे, जिसके बाद इमारत में विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया गया। पिछले दिनों यहां निगम द्वारा रिमूवल कार्रवाई की गई थी और बड़ी संख्या में दुकानदारों के अवैध शेड व दुकानें तोड़ दी गई थी। इंदौर नगर निगम में अपर आयुक्त संदीप सोनी ने कहा कि सरकारी जमीन पर बिल्डिंग का अवैध निर्माण किया गया था। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग के मालिक को पहले नोटिस दिया गया था और जरूरी कागजात उपस्थित करने को भी निर्देशित किया गया था। मकान मालिक ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए उसके अनुसार बिल्डिंग का निर्माण अवैध तरह से किया गया था। वहीं बिल्डिंग के मालिक बाबूलाल गौर का कहना है कि यह जमीन 3-4 साल पहले ली थी और जमीन और बिल्डिंग का प्रॉपर्टी टैक्स भी लगातार जमा कर रहा था। उन्होंने बताया कि मैंने खेत की जमीन खरीदी थी जिस पर निर्माण किया गया था। विस्फोटक विशेषज्ञ सर्वटे ने बताया कि सामान्य विस्फोट एक्सप्लोजन मेथड से किए जाते हैं, लेकिन आसपास सघन रहवासी क्षेत्र होने के कारण इम्प्लोजन मेथड से भीतरी विस्फोट कर बिल्डिंग गिराई गई। इससे मलबा पत्थर बाहर नहीं उड़ते। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।